शो में ही दुनिया को अलविदा कह गए थे ये सात टीवी सितारे। किसी को आया हार्ट अटैक तो किसी का हो गया एक्सीडेंट। नंबर एक, कवि कुमार आजाद। टीवी के पॉपुलर शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में डॉक्टर हंसराज हाथी का किरदार निभाने वाले एक्टर कवि कुमार आजाद आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उन्होंने डॉक्टर हाथी बनकर दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। बता दें कि साल 2018 की 9 जुलाई को उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। अचानक हुए उनके निधन से उनके फैंस और शो की पूरी टीम को बड़ा सदमा लगा था। नंबर दो, दीपेश भान। अभिनेता दीपेश भान मशहूर टीवी धारावाहिक भाभी जी घर पर है का हिस्सा थे। उनके अचानक निधन से टीवी इंडस्ट्री को बड़ा सदमा लगा था। दीपेश भान 41 साल की उम्र में ब्रेन हेमरेज के चलते निधन हो गया था। 41 साल के दीपेश क्रिकेट खेलने के दौरान जमीन पर गिर पड़े थे, बाद में वे दुनिया छोड़ गए। नंबर तीन, तनिषा शर्मा। अभिनेत्री तनिषा शर्मा की आत्महत्या का मामला काफी सुर्खियों में रहा था। अपनी जिंदगी के अंतिम दिनों के दौरान 20 साल की तनिषा सीरियल अलीबाबा में काम कर रही थी। कथित रूप से उनका सह अभिनेता सीजन मोहम्मद खान के साथ अफेयर चल रहा था और बताया जाता है कि वे इस रिश्ते में परेशान से थी। सेट पर मेकअप रूम में टीवी एक्ट्रेस ने 22 दिसंबर 2022 को फंदे में झूलकर अपनी जान दे दी थी। नंबर चार, रीमा लागू। फिल्म इंडस्ट्री में रीमा लागू एक जाना माना नाम है। एक्ट्रेस ने न सिर्फ फिल्मों में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया बल्कि टीवी सीरियल्स में भी अपनी शानदार एक्टिंग से लोगों का मनोरंजन किया। फिल्म हम आपके हैं कौन और हम साथ साथ हैं से उन्हें घर घर में पहचान मिली। आपको बता दें कि रीमा आखिरी बार टीवी सीरियल नामकरण में बड़ी भूमिका निभा रही थी, लेकिन शो के बीच उनका दिल का दौरा पड़ने से 2017 में निधन हो गया था। नंबर पाँच, प्रत्युषा बनर्जी। प्रत्युषा बनर्जी टीवी की मशहूर अभिनेत्री थी। छोटी उम्र में ही उन्होंने बड़ी पहचान बना ली थी। प्रत्युषा को लोकप्रिय धारावाहिक बालिका वधू में आनंदी सिंह के रोल में देखा गया था और अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में प्रत्युषा इसी शो में नजर आई थी। प्रत्युषा ने 1 अप्रैल 2016 को फांसी लगाकर जान दे दी थी। प्रत्युषा की आत्महत्या ने हर किसी को हैरान कर दिया था। इस मामले में उनके बॉयफ्रेंड राहुल राज सिंह भी चर्चा में रहे थे। राहुल पर प्रत्युषा को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप लगे थे और इस मामले में राहुल को जेल भी जाना पड़ा था। नंबर छह, ऋतुराज सिंह। टीवी के मशहूर अभिनेता ऋतुराज सिंह का भी हाल ही में कार्डियक अरेस्ट के चलते निधन हो गया था। 20 फरवरी 2024 को उन्होंने अंतिम सांस ली। बता दें कि ऋतुराज सिंह मशहूर टीवी शो अनुपमा का हिस्सा थे। चलते शो में ऋतुराज सिंह दुनिया को छोड़कर चले गए। नंबर सात, गगन कांग। अभिनेता गगन कांग बहुत छोटी उम्र में इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। गगन कांग एक रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवा बैठे थे। गगन उस दौरान धारावाहिक महाकाली का हिस्सा थे। इस शो में वे देवराज इंद्र के रोल में नजर आए थे। इनमें से आपका पसंदीदा कलाकार कौन था, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।